आगरा में भगवान बनने के लिए 200 लोग कर रहे विशेष अनुष्ठान। जैन धर्म में मान्यता है कि आम आदमी भी भगवान बन सकता है। जब 8 कर्म सिद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति आत्म स्वरूप बन जाता है, फिर उसे किसी सांसारिक सुख की चाह नहीं रहती, व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। यही भगवान बनने की प्रक्रिया है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 8 के गुणक में अर्घ्य चढ़ाया जाता है। अर्घ्य में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि होते हैं। पहले दिन 8, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पांचवे दिन 128, छठवे दिन 256, सातवें दिन 512 और आठवें दिन 1024 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में 6 से 7 घंटे लगते हैं। राकेश भैया के निर्देश में यह अनुष्ठान किया जा रहा है। 11 जून को प्रातः 5:30 बजे से विश्व शांति महायज्ञ किया जाएगा। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जैन धर्म में ये मान्यता है कि हर जीव जम जीव मात्र में जी जो आत्मा है वो परमात्मा बन सकती है जी। इसकी प्रक्रिया है कि आपको ध्यान तप ये सब करेंगे तो आप अपने आप को उस कोटि में ले जा सकते हैं जहाँ सिद्ध विराजमान है जी। सिद्ध मतलब मोक्ष, जहाँ मोक्ष हो जाता है तो आत्मा वहाँ पर अनंत काल के लिए बचते रहती है। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुण सब उसमें है और वहाँ वो अनंत काल में निवास करते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा तप, ध्यान तप और ये गुणानुवाद करके भगवान की भक्ति करके अपने आप को वहाँ उस स्थिति में पहुँचा सकते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक विधान होता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। ये 8 दिन का कार्यक्रम होता है। 8 दिन में पहले दिन 8 अर्घ, दूसरे दिन 16 अर्घ, तीसरे दिन 32 अर्घ, चौथे दिन 64 अर्घ, पांचवें दिन 128 अर्घ, छठवें दिन 256 अर्घ, सातवें दिन 512 अर्घ और आठवें दिन 1024 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। बड़ी भक्ति भाव से, मनोयोग से, संगीतमय वातावरण में पूजा की जाती है। इस ये विधान श्री शांता दिगंबर जैन मंदिर, टीचर्स कॉलोनी जयपुर हाउस, टीचर्स कॉलोनी जयपुर हाउस आगरा में दिनांक 3 जून 2018 से प्रारंभ हुआ है और 11 जून 2018 तक चलेगा। ये यहाँ पर लगभग 12 वर्ष बाद हो रहा है जी। ये सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि ब्रह्मचारी श्री राकेश भैया जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में ये विधान हो रहा है। और कितने श्रद्धालु आ रहे हैं इसमें? लगभग 200 से 250 श्रद्धालु हैं।